हाँ जी, सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा, राइट। और हम ऑलरेडी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट कवर कर चुके हैं, हम इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कवर कर चुके हैं। तो हमें स्टार्ट करना है फर्दर इश्यू ऑफ शेयर से, दैट इज सेक्शन 62। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आ जाइए जी, देखिए, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो जो भी लोग कंपनी बनाते हैं वो एमओए के अंदर बताते हैं कि जी कौन कितने शेयर्स लेगा, ठीक है। वही लोग ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होगी। तो मान के चलो एक कंपनी बनाई गई, ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, चार लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। तो इन लोगों ने ही डिसाइड किया और एमओए में बताया कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी। लेट से 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, इन लोगों ने डिसाइड किया जब कंपनी बनाई, ठीक है। और इन लोगों ने ही ये भी बताया कि जी हम कितने शेयर्स लेंगे। तो जी सब ने डिसाइड किया जी 2500 शेयर्स हर कोई लेगा, चारों लेंगे। तो टोटल मिला के कितने शेयर्स, कहता जी 10,000, जो कि कितने रुपए के बनते हैं, कहता जी 1 लाख रुपए के। तो इसका मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, 10 लाख। लेकिन कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। भाई सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी सब्सक्राइबर्स थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, एमओए के, उन्होंने कहा कि जी हम फॉर द टाइम बीइंग 10,000 शेयर्स ले रहे हैं, कितने रुपए के, 1 लाख रुपीज के, ठीक है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल हम लेके चल रहे हैं 10 लाख रुपए की, फ्यूचर में कंपनी को और कैपिटल की जरूरत पड़ी तो कंपनी और कैपिटल रेज कर सकती है। और जी जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो जितने भी शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं सब पे भी करते हैं। तो जी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वही पेड अप भी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा शुरुआत में तो जो इशूड कैपिटल है वही सब्सक्राइब्ड होती है, वही पेड अप होती है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रमोटर्स हैं वो लोग जितना भी शेयर्स लेने की बात करते हैं सबके नाम के पैसे देते हैं। तो ये शुरुआत में इतने ही शेयर्स इशू किए गए और सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, सारे के सारे पेड अप भी हो गए, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब जी कंपनी को और पैसे की जरूरत है बिजनेस के लिए। कंपनी का मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि और पैसों की जरूरत है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अल्टीमेटली कंपनी की वर्किंग को डायरेक्ट कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जी इन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी और शेयर्स इशू करेगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन कौन सा जी हमारा? तो जी सेक्शन 62 ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि अगर कंपनी को कभी भी और शेयर्स इश्यू करने हैं, और शेयर्स इश्यू करने का मतलब क्या है कि कंपनी को अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल इंक्रीज करनी है, इंक्रीज इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल विद इन ऑथराइज कैपिटल। भाई ऑथराइज कैपिटल तो ऑलरेडी 10 लाख है ना, अगर कंपनी को लेट से 4 लाख रुपए की और जरूरत है तो कंपनी कितने और शेयर्स इशू करने की बात कर रही है? 4 लाख रुपए के और शेयर्स इशू करने की बात कर रही है। ऑलरेडी कितने इशूड है? कहता है जी 1 लाख रुपए के। तो और शेयर्स इशू करने के बाद भी टोटल कितने रुपए के शेयर्स हो जाएंगे? कहता है जी 5 लाख रुपए के, मतलब विद इन ऑथराइज कैपिटल है। अगर मान के चलो कंपनी को इतने शेयर्स इशू करने हैं कि ऑथराइज कैपिटल से एक्सीड कर रहे हैं, तो उस केस में तो कंपनी को पहले ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। और ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब क्या है? अल्ट्रेशन ऑफ एमओए,
अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, जिसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ऑथराइज कैपिटल एमओए में लिखी होती है, राइट। तो हम लोग ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जी विद इन ऑथराइज कैपिटल कंपनी और शेयर्स इशू करना चाहती है, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो जी सेक्शन 62 ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि कंपनी जब भी फर्दर इशू लेके आना चाहती है, कंपनी के पास तीन ऑप्शंस है, एक तो राइट इशू, एक जी टू इम्प्लॉइज, इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम या स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम लिख लीजिए, ठीक है, या फिर टू एनीवन। तो यहां पर किसको शेयर्स ऑफर कर सकती है कंपनी, कहता है राइट इशू का मतलब टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी, टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहां पर किसको शेयर्स इश्यू कर रही है कंपनी, कहता है जी इंप्लॉइज को, पर्टिकुलर इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर। और यहां पर किसको इश्यू कर रही है, कहता है जी टू एनीवन, एनीवन का मतलब, कहता है एनीवन का मतलब उसके अंदर कोई भी ले सकता है या किसी को भी इश्यू कर सकती है, हो सकता है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो सकता है कि कंपनी के इंप्लॉइज हो, या फिर हो सकता है कि इनके अलावा अदर्स हो, एनीवन, इवन पब्लिक। कुल मिलाकर नए लोगों को शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं थर्ड ऑप्शन में, ठीक है जी। तो सबसे पहले राइट इशू की बात करते हैं, पहले मैं एक बार सेक्शन दिखा देता हूं आपको, सेक्शन 62, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कहता है वेयर एट एनी टाइम द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्या इंक्रीज करना चाह रही है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल विद इन ऑथराइज कैपिटल बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर्स, सच शेयर शैल बी ऑफर्ड। तो जी कभी भी कंपनी, अच्छा जिस तरह कंपनी ने एक बार 4 लाख के शेयर्स और इशू कर दिए, ठीक, तो टोटल मिला के सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख। फिर कंपनी को दोबारा लगा कि और पैसों की जरूरत है, तो कंपनी कहती है जी 5 लाख के शेयर्स और इशू करने हैं। तो जब तीसरी बार कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, इसे भी क्या बोलेंगे, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अगेन सेक्शन 62 विल बी एप्लीकेबल। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। तो कहता है कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, कहता है क्लोज ए, टू persons who at the date of offer, जब भी कंपनी ये न्यू शेयर्स का ऑफर लेकर आ रही है, आर होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जी कंपनी किसको ऑफर दे सकती है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जिसे हम क्या कहेंगे, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इन प्रपोर्शन एज नियरली एज सर्कमस्टांसिस एडमिट टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दो शेयर्स By sending letter of offer, by sending letter of offer। तो कुल मिलाकर कंपनी राइट इशू लेके आ सकती है, इसे हम क्या बोलेंगे, राइट इशू, इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिर जी इसने ऑप्शन बी क्या दी हमारे पास, क्लोज बी क्या है, टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। तो इम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम कह सकते हैं आप, सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी एंड सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। चलो कुल मिला के ऑप्शन बी के हमारे पास कि कंपनी अपने इम्प्लॉइज को, अपनी होल्डिंग या अपनी सब्सिडरी के इम्प्लॉइज को शेयर्स अलॉट कर सकती है, इशू कर सकती है, या टू एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब क्या हो गया, कहता है एनी पर्सन का मतलब तो एनी पर्सन, जब हम टू एनी पर्सन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो सकता है वो कंपनी के एम्प्लॉइज हो सकता है अदर्स पब्लिक। मान के चलो अगर कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है, तो कंपनी क्या कह रही है जी, पब्लिक में से कोई भी परचेज कर सकता है, तो पब्लिक में तो हो सकता है कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी है,
वो भी परचेज कर सकता है, हो सकता है कंपनी का एम्प्लॉय परचेज करना चाहे वो भी परचेज कर सकता है, या इन दोनों को छोड़कर कोई और परचेज करना चाहे पब्लिक में से वो भी परचेज कर सकता है, या कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स इशू करना चाह रही है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब किसी, यहां पर जब हम बात करें ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जब हम बात कर रहे हैं राइट इशू की, यहां पर राइट इशू की बात कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मतलब सारे शेयर होल्डर्स को इक्वल राइट दिया जाएगा शेयर्स लेने का। यहां पर टू इंप्लॉइज कह रहे हैं जो भी एलिजिबल इंप्लॉइज है उन सबको इक्वल राइट दिया जाएगा शेयर्स लेने का, लेकिन जब हम टू एनीवन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इवन सिंगल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी ऑफर दिया जा सकता है, सिंगल एम्प्लॉय को भी ऑफर दिया जा सकता है, या सिंगल पर्सन फ्रॉम द पब्लिक को भी ऑफर दिया जा सकता है। तो ये पब्लिक इशू के थ्रू भी लाए जा सकते हैं शेयर्स, या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी लाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो तीन ऑप्शन दी गई जी हमारे हमको सेक्शन 62 में। तो सबसे पहले ऑफर की बात करते हैं, राइट इशू की बात करते हैं। आ जाइए जी, राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या है, मान के चलिए जी कंपनी की पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी की पेड अप कैपिटल है लेट से 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, ये कंपनी की पेड अप है। कंपनी कितने रुपए के और शेयर्स इशू करना चाहती है, हमने कहा जी कंपनी 4 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करना चाहती है। ठीक है, इसका मतलब कंपनी कितने और शेयर्स इशू करना चाहती है, हमने कहा जी कंपनी 40,000 शेयर्स और इशू करना चाहती है। तो जी सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लोज ए जो कि बात कर रहा है, ये तीनों ही ऑप्शन हमें बेसिकली किसने दे रखी है, सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 ने दे रखे तीनों ही ऑप्शन। ठीक है, तो जी क्लोज ए किसकी बात कर रहा है, क्लोज ए बात कर रहा है राइट इशू की। तो जी क्लोज ए ने कहा कि कंपनी सबसे पहले ऑफर किसको देगी, सबसे पहले कहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी को और कैपिटल रेज करनी है तो सबसे पहले कंपनी के शेयर्स लेने का राइट किसका है, कहता है जी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। क्यों, कहता है जी देखो जब कंपनी शुरू हुई थी, नई नई बनाई गई थी, तब सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसने दिखाया था कंपनी में, कहता है जी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, कहीं ये सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सबसे पहले सबसे ज्यादा ट्रस्ट दिखाया कंपनी में। तो जी अब जब कंपनी चल चुकी है, कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, तो यार सबसे पहला जो राइट है वो किसका बनता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। तो जी सबसे पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का बनता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राइट इशू। ये तो मेरा राइट है, हक है। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यही बोलेगा ना कि मेरा हक है। ठीक, तो लो ने कहा कि जब कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है तो जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सबको बराबर का चांस मिलना चाहिए कंपनी के शेयर्स लेने का, मिलना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। कंपनी किसी को फोर्सफुली ये नहीं कह सकती कि आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको हमारे शेयर्स लेने पड़ेंगे, पर सबको ये राइट जरूर देना है कंपनी को। ठीक है, तो लो ने कहा जी पेड अप शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में राइट देना है। इसका मतलब अगर 10,000 शेयर्स पेड अप है और आप 40,000 शेयर्स और लेके आना चाहते हैं, तो जिसके पास एक शेयर है उसको 4 शेयर्स और लेने का राइट दीजिए, जिसके पास एक शेयर है उसको 4 शेयर और लेने का राइट दीजिए। तो मैं इस इशू को क्या बोलूंगा, जिसके पास एक शेयर है उसको 4 और शेयर्स लेने का राइट दीजिए। तो अगर मान के चलो मिस्टर ए के पास
2500 शेयर्स हैं तो उनको 10,000 और शेयर्स लेने का राइट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए के पास अगर देखा जाए तो 25% पेड अप कैपिटल है, तो इसी प्रपोर्शन में 25% ऑफ 40,000 शेयर्स, इसी प्रपोर्शन में मिस्टर ए को ये राइट मिलना चाहिए शेयर्स लेने का, राइट इश्यू में। ठीक है, तो वर्ड समझ में आ रहा है। कहता है इन प्रपोर्शन एज नियरली एज सर्कमस्टांसिस एडमिट टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दो शेयर्स बाय सेंडिंग। ठीक है, तो इन प्रपोर्शन इसका मतलब अगर मान के चलते हैं मिस्टर बी के पास 1,000 शेयर्स है तो जी कितना है? कहता है जी 10%, पेड अप कैपिटल कितना है? 10%। तो जी मिस्टर बी को इन शेयर्स में भी कितना राइट मिलना चाहिए? 10%। इसका मतलब 4,000 शेयर्स लेने का राइट मिस्टर बी को मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जिसके पास एक शेयर है उसे 4 शेयर लेने का राइट मिलना चाहिए, जिसके पास 2 शेयर है उसे 8 शेयर लेने का राइट मिलना चाहिए, जिसके पास 1,000 शेयर है उसे 4,000 शेयर लेने का राइट मिलना चाहिए इन प्रपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल। ठीक है, यहां तक क्लियर? आ जाइए जी, कंडीशन क्या बताई? पहली कंडीशन बताई द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड एंड लिमिटिंग अ टाइम नॉट बींग लेस देन 15 डेज, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफर विद इन विच द ऑफर इफ एक्सेप्टेड, इफ नॉट एक्सेप्टेड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। तो जी बड़ी सिंपल सी बात कही, पहली कंडीशन कि ऑफर लेटर सेंड किया जाएगा टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑफर लेटर इन द फॉर्म ऑफ नोटिस। तो आप कह सकते हैं कि क्या सेंड किया जा रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को? नोटिस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, राइट इश्यू की बात कर रहे हैं ना। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन कहता है जी ऑफर कम से कम कितने पीरियड के लिए ओपन रहना चाहिए? कम और मैक्सिमम कितने डेज के लिए ओपन रहना चाहिए? तो ऑफर शैल बी ओपन फॉर मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। अब जी यहां पर प्राइवेट कंपनीज के केस में हमारे पास कुछ एग्जम्पशन है, हाँ जी प्राइवेट कंपनी। कहता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ये वाला प्रोविजन कंसीडर किया जाए कि जी इन केस 90% ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, द पीरियड्स लेसर देन दो स्पेसिफाइड इन सब क्लोज 1 ऑफ क्लोज ए शेल अप्लाई। तो कुल मिलाकर एग्जम्पशन क्या है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी? इफ 90% और मोर मेंबर्स गिव देयर कंसेंट, कंसेंट या इन राइटिंग या फिर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो गिव देयर कंसेंट मे बी लेस देन 15 डेज। भाई प्राइवेट कंपनी जहां थोड़े से मेंबर्स होते हैं, अगर मेंबर्स अपनी कंसेंट दे दे कंपनी को कि जी इतने दिन के लिए ऑफर ओपन रखने की जरूरत नहीं है, कंपनी 7 दिन के लिए ऑफर ओपन रखे वो भी बहुत है, तो जो मिनिमम ऑफर पीरियड है इट मे बी लेस देन 15 डेज। क्लियर है जी? आ जाइए जी, तो ये जो बेसिकली एग्जम्पशन कह लीजिए या मॉडिफिकेशन कह लीजिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्लियर है? ये जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया था हमारे पास जून 2015 में, उसमें प्राइवेट कंपनीज को एग्जम्प्ट कर दिया गया था। ठीक है, अगर अगर इफ
offer is not accepted by any member within offer period, अगर किसी मेंबर ने जितने भी टाइम के लिए ऑफर ओपन रहा, लेट्स से कंपनी ने कहा जी ऑफर ओपन है 21 डेज के लिए, इन 21 डेज में अगर मेंबर ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया कंपनी का, भाई जरूरी थोड़ी ना हर मेंबर के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हो, हो सकता है कि भाई मेंबर शेयर लेना चाहता है लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, राइट। तो अगर किसी मेंबर ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी मेंबर विद इन ऑफर पीरियड, तो मान के चला जाएगा दैट ऑफर इज डिक्लाइंड, इट विल बी कंसीडर्ड दैट ऑफर इज डिक्लाइंड बाय दैट मेंबर। उस मेंबर ने ऑफर डिक्लाइन कर दिया, इन सच केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन अ वे नॉट डिसएडवांटेजियस फॉर द कंपनी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मेंबर ने राइट इशू वाला ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो जी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो शेयर्स किसी और को सेल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन द वे नॉट डिसएडवांटेजियस फॉर द कंपनी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उन शेयर्स को सेल ऑफ करते हुए, डिस्पोज ऑफ करते हुए ये दिमाग में रखना है कि किसी भी ऐसी टर्म्स या कंडीशंस पर उन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ ना करे जो कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस हो या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए डिसएडवांटेजियस हो। ठीक है, तो पहला राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसे देना पड़ेगा, कहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो शेयर्स लेने के लिए तैयार नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे भैया हमें तो पैसों की जरूरत है कंपनी को, कंपनी की वर्किंग के लिए, तो इसलिए कंपनी लोगों ने कहा ठीक है अगर एग्जिस्टिंग मेंबर लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप किसी और को सेल कर दीजिए। बस दिमाग में इतना रखना है दैट आप जिस भी वे में डिस्पोज ऑफ करोगे दैट शैल नॉट बी डिसएडवांटेजेस फॉर द कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यहां तक क्लियर। फिर जी जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, कहता मान के चलो, इसको मैं नाम दूंगा राइट टू रिनाउंस। राइट टू रिनाउंस द राइट, मान के चलो मैं किसी कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, वो कंपनी राइट इशू लेके आ रही है और मुझे शेयर्स लेने का राइट मिल रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। कंपनी कह रही है मुझे कि जी आप 4000 शेयर्स ले सकते हो एज पर योर राइट। ठीक है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो जी कितने रुपए मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे शेयर्स लेने के लिए, 4 लाख रुपीज। मेरे पास है ही नहीं इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट वैल्यू क्या है शेयर्स की, 120 रुपए। कंपनी जनरली मार्केट वैल्यू से कम रेट पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है, राइट। मेन मोटिव क्या होता है कि जी फेस वैल्यू तो क्या है 10 रुपए, बाकी तो कंपनी प्रीमियम ही ले रही है, तो कंपनी जो प्रीमियम ले रही है वो कम ले रही है, तो इसलिए कंपनी 100 रुपए का शेयर दे रही है जबकि मार्केट वैल्यू क्या है 120 रुपए।
ठीक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से कंपनी थोड़ा कम प्रीमियम ले रही है। अब जी लेट से मेरी सिस्टर ये शेयर्स लेना चाहती है, मेरी सिस्टर कह रही है कोई बात नहीं मेरे पास पैसे हैं मैं ये शेयर्स ले लूंगी, क्योंकि सिस्टर को दिखाई दे रहा है कि मार्केट वैल्यू क्या है 120 रुपये और शेयर्स मिल कितने मेरे यहाँ 100 रुपये में, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जी इन 4,000 शेयर्स पे 20 रुपीज पर शेयर के अवॉर्डिंग कितने रुपए का फायदा है, कितने रुपए का फायदा है 80,000 रुपीज का, राइट। तो मेरी सिस्टर कहती है कि ये राइट जो तेरा ये राइट है ये तू मुझे रिनाउंस कर दे, तू कंपनी को कह कि जी मेरे बिहाफ पर या फिर मेरी जगह शेयर्स कौन लेगी, मेरी सिस्टर, और इससे जो प्रॉफिट होगा दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे। भाई 80,000 रुपये का प्रॉफिट है, मेरी सिस्टर कह रही है कि इसमें से 40,000 रुपीज़ मैं तुझे दे दूंगी, 40,000 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो कुल मिला के सिस्टर को शेयर कितने का पड़ेगा। मेरी सिस्टर ने कहा कि भैया 10 रुपये पर शेयर मैं तुझे दे दूंगी, 4,000 शेयर पर 10 रुपये पर शेयर मैं तुझे दे दूंगी, 100 रुपये पर शेयर कंपनी को चला जाएगा, तो सिस्टर को शेयर कितने का मिलेगा 110 का, और मार्केट वैल्यू क्या है 120, तब भी सिस्टर को 40,000 रुपये का बेनिफिट है। ठीक है, तो जी राइट इशू के केस में या तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके मतलब राइट टू रिनंसिएशन प्रोहिबिट कर रखा हो, इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल हैव राइट टू रिनाउंस रिनाउंस हिज राइट इन द राइट इशू में जो मेरा राइट था उस राइट को रिनाउंस करने का राइट कंपनी लो ने मुझे दिया, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस चीज को लेकर प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब कि जी मैं अपना ये राइट अपनी सिस्टर को रिनाउंस कर सकता हूँ, और अगर मैं शेयर्स ना भी लेना चाहूँ तो अपना राइट किसी और को सेल कर सकता हूँ, किसी और को रिनाउंस कर सकता हूँ, और मेरी जगह वो पर्सन शेयर्स सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है जी, यही बात किसने कही, कंडीशन सेकंड, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड द ऑफर अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न्ड टू रिनाउंस द शेयर्स ऑफर टू हिम और एनी ऑफ देम इन द फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, और जो ऑफर डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भेजा जाएगा राइट इश्यू से रिलेटेड, कहता है जी उस ऑफर डॉक्यूमेंट में उस नोटिस में ये बात लिखी होनी चाहिए कि अगर आप खुद नहीं लेना चाहते तो आप अपना ये राइट किसी और को रिनाउंस कर सकते हो। ठीक, और तीसरी कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, मतलब जितने टाइम के लिए ऑफर ओपन है वो टाइम खत्म होने के बाद, या अगर कोई मेंबर पहले ही कह दे कि जी मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, तो उस केस के अंदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डिस्पोज द शेयर्स इन सच मैनर विच इज नॉट डिसएडवांटेजियस टू द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी, मतलब कुल मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होगी उन शेयर्स को अपने अकॉर्डिंग सेल करने की, डिस्पोज ऑफ करने की, इस वे में के दैट शैल नॉट बी डिसएडवांटेजियस टू द कंपनी और द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। यहाँ तक क्लियर है जी, चलिए आपकी बुक से देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। तो पहले तो आपकी बुक में वही बताया हुआ है कि सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग तीन ऑप्शंस है कि जी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू एम्प्लॉयज, टू एनी अदर पर्सन, राइट, टू एनी पर्सन, एनी अदर नहीं, एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी अदर पर्सन। आ जाइए जी,
फिर राइट इशू के बारे में बताया हुआ है, कंडीशंस बता रखी है कि ऑफ़र शैल बी मेड बाय नोटिस, जो ऑफ़र भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा उसके अंदर बकायदा बताया जाएगा कि आप कितने शेयर्स ले सकते हो, टाइम लिमिट बता रखा है कि ऑफ़र कितने टाइम के लिए ओपन रहना चाहिए, नॉट लेस देन 15 डेज, नॉट मोर देन 30 डेज, राइट। फिर ये बता रखा है कि जी उस ऑफ़र में क्लियर कट, नोटिस में क्लियर कट ये लिखा होना चाहिए कि जी अगर आप खुद नहीं लेना चाहते तो आप अपना ये राइट किसी और को रिनाउंस कर सकते हैं, तो राइट ऑफ रिनंसिएशन अनलेस आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड अदरवाइज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। हाँ जी, जो ये नोटिस है जो भेजा जाएगा राइट इश्यू का, तो नोटिस शैल बी डिस्पैच्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, कंपनी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू नोटिस भेज सकती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकती है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की ईमेल आईडी अवेलेबल है तो उसको मेल किया जा सकता है ऑफर, कोरियर के थ्रू भेजा जा सकता है, साथ में कह दिया किसी भी मोड के थ्रू भेजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कंपनी के पास प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डिलीवरी कि एक्चुअल में उसने सारे शेयर होल्डर्स को ऑफर लेटर भेज दिया किसी भी मोड में भेजे, और साथ में ये कहा कि ऑफर लेटर कम से कम 3 दिन पहले मिल जाना चाहिए बिफोर ओपनिंग द इशू। तो अगर मान के चलो ऑफर ओपन हो रहा है लेट से 4th of Jan 2019 को, और ऑफर ओपन है टिल 30th of Jan 2019 तक, हमने कहा ना मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज के लिए, तो जी कम से कम 3 दिन पहले, तो ऑफर कब मिल जाना चाहिए? कहता है बेटर तो यही है कि 31 दिसंबर को मिल जाए, नहीं तो 1st Jan 3 दिन पहले। ठीक है जी, ताकि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके पास सोचने समझने का टाइम हो, पैसे अरेंज करने का टाइम हो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखो सेक्शन 3 क्या कह रहे हैं, सब सेक्शन 3। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर कंपनी फर्दर शेयर्स इशू करना चाहती है तो कंपनी के पास 3 ही ऑप्शन है, राइट इशू to employees, to anyone else, तीन ही ऑप्शन है कंपनी के पास। और कंपनी को राइट इशू लाना है तो राइट इशू के जो भी कंडीशन है वो कंप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कंपनी को एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करने हैं तो जी कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी इससे रिलेटेड। अगर कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक इशू लेके आना है तो उससे रिलेटेड कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कहता है लेकिन अगर मान के चलो कंपनी ने कोई डेट रेज किया था, उधार लिया था, और एज पर द कंडीशन ऑफ दिस डेट ये डेट शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, ये डेट शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, इस कंडीशन पर उधार लिया गया था कि हो सकता है कि फ्यूचर में उधार शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए कंपनी की ऑप्शन पर या फिर क्रेडिटर की ऑप्शन पर, कहता है तो ये केस यहां पर कवर नहीं हो रहा, यहां पर कवर नहीं हो रहा, मतलब इस केस में इनमें से कोई कंडीशंस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द इंक्रीज ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी कॉज्ड बाय द एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन एज अ टर्म अटैच्ड टू द डिबेंचर्स इशूड और लोन्स रेज्ड। चाहे डिबेंचर्स शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं या लोन शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसी ऑप्शन के बेसिस पर डिबेंचर या लोन को रेज किया गया था। ठीक है, तो उस केस में कंपनी को ये ऊपर जितने कंप्लायंस दे रखे हैं ये कोई कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
provided that the term of issue of such debenture or loan containing such an option have been approved before the issue of such debentures or arising of loans by special resolution passed by the company in the general meeting. तो कुल मिलाकर वैसे लोन रेज करने के लिए कंपनी को कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पर कहा गया अगर कंपनी ऐसा लोन रेज कर रही है जहाँ कंपनी सामने वाले को ऑप्शन दे रही है कि फ्यूचर में सामने वाला लोन के बदले, पैसों के बदले कंपनी के शेयर्स ले सकता है, मतलब उस लोन को शेयर में कन्वर्ट करवा सकता है, तो ऐसा लोन रेज करने से पहले या ऐसे डिबेंचर्स को इशू करने से पहले कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो मेंबर्स के दिमाग में तो रहेगा ना कि हाँ कंपनी ने 1,00,000 रुपए का ऐसा लोन लिया हुआ है जो फ्यूचर में शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। फिर जी सबसेक्शन 4 को ध्यान से देखिएगा। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि अगर कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है, कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है या गवर्नमेंट को डिबेंचर्स इश्यू किए हुए हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि कंपनी उस लोन के बदले या डिबेंचर्स के बदले क्या इशू करे, शेयर्स इशू करे, ठीक है, चाहे उस लोन की उस डिबेंचर की टर्म्स या कंडीशंस ऐसी थी या नहीं थी। कहता है इवन इफ द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ सच डिबेंचर्स और the raising of such loan do not include a term for providing an option for such conversion. पर भैया जहाँ गवर्नमेंट की बात आती है तो वहाँ गवर्नमेंट की चलती है, राइट। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ कही सबसेक्शन 4 ने कि अगर किसी कंपनी ने गवर्नमेंट को डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं या गवर्नमेंट से लोन रेज कर रखा है और गवर्नमेंट को लगता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट कि जी कंपनी उस लोन के बदले पैसे वापस देने के बजाय उस लोन के बदले कंपनी शेयर्स इशू करे या डिबेंचर्स के बदले कंपनी शेयर्स इशू करे, तो उस केस में कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़ेंगे चाहे उस डिबेंचर की या उस लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा कुछ था या नहीं था। हाँ अगर कंपनी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहती है, कंपनी को लग रहा है कि कंपनी के साथ जाती हो रही है, तो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर कंपनी में अप्रोच टू NCLT, किसको अपील फाइल कर सकती है, NCLT को, ठीक है। NCLT को जो ठीक लगेगा NCLT ऑर्डर पास कर देगी, NCLT को लगेगा कि भाई कंपनी को शेयर्स अलॉट करने चाहिए तो कंपनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ जी, वाइल गिविंग द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4, गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देने से पहले कि जी डेट को शेयर्स में कन्वर्ट करो या डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करो, गवर्नमेंट शेल हैव, कहता है गवर्नमेंट इन इन बातों का ध्यान रखिए, किन बातों का, शेल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स और लोन एज द केस में बी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच डिबेंचर्स और लोन्स एंड अदर मैटर्स एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी, ठीक है। फर्दर अब देखो जी, मान के चलो, ध्यान से देखिएगा, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल ही सिर्फ 1,00,000 थी, मान के चलते हैं, डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, लेकिन कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ था, अच्छा जितनी ऑथराइज थी सारी पेड अप थी, ठीक है जी, जितनी ऑथराइज थी सारी पेड अप थी। अब जी कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ था 4,00,000 का और सेक्शन 62 सब सेक्शन 4 के अंदर जो हमने अभी पढ़ा है, गवर्नमेंट ने कंपनी को ऑर्डर दिया कि भैया इस लोन को किस में कन्वर्ट कर दो, शेयर्स में, ठीक है जी। तो जब ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,00,000, लेकिन ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सिर्फ 1,00,000। तो जी बड़ी सिंपल सी बात कही कि जहाँ गवर्नमेंट की ऑर्डर की वजह से पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से लोन को या डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जितने लोन को या जितने डिबेंचर्स को, जितने रुपए के लोन को या जितने रुपए के डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल उतनी ही इंक्रीज्ड कंसीडर की जाएगी।
तो इस केस में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी मानी जाएगी, 5 लाख। तो ऑटोमेटिकली कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी विदाउट पासिंग द मेंबर्स रेजोल्यूशन। अदरवाइज हमने क्या पढ़ा, ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब क्या, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, बिकॉज ऑथराइज्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ एमओए, और एमओए को अल्टर करने के लिए वी हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जो ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कहता है भैया कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, कोई मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो ये जो फॉर्मेलिटी है ये पूरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो बड़ी सिंपल सी बात लिखी, वेयर द गवर्नमेंट हैज बाय द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 4 डायरेक्टेड दैट एनी डिबेंचर और लोन और एनी पार्ट देयर ऑफ शैल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड वेयर नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड टू एनसीएलटी बाय द कंपनी, या फिर कंपनी ने एनसीएलटी को फिर अपील प्रेफर की थी बट अपील हैज बीन डिसमिस्ड। तो मतलब कुल मिला के कंपनी को, गवर्नमेंट को शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। द मेमोरेंडम ऑफ सच कंपनी शैल वेयर सच ऑर्डर हैज बीन इफेक्टेड टू इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी स्टैंड, कहता है एमओए शैल स्टैंड अल्टर्ड एंड द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल स्टैंड इंक्रीज बाय एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स विच द डिबेंचर्स और लोन्स और पार्ट देयर ऑफ हैव बीन कन्वर्टेड। ठीक है, तो कोई मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की वजह से कंपनी को शेयर्स अलॉट करने पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज मानी जाएगी। ठीक है जी, आइए जी, तो आपकी बुक में भी यही सब दे रखा है जो हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 62 में सबसेक्शन 3, 4 ये भी हम पढ़ चुके हैं, 5 भी हम पढ़ चुके हैं। आ जाइए जी, आ जाइए, केस लॉज। हाँ जी, जो हमारे पास नंदलाला जावर वर्सेस बॉम्बे लाइफ एश्योरेंस एंड कंपनी, ये जो केस लॉ है हमारे पास, यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात कही गई कि सेक्शन जो 81 है, मतलब बेसिकली आज के टाइम में सेक्शन 62, 81 तो कंपनीज एक्ट 1956 का था ना, सेक्शन 62 इज इंटेंडेड टू कवर केसेस वेयर द डायरेक्टर्स डिसाइड टू इंक्रीज द कैपिटल बाय इशूइंग फर्दर शेयर्स। मतलब कुल मिला के इस केस लॉ में ये कहा गया कि जी सेक्शन 62 की इंटेंशन है इशू ऑफ फर्दर शेयर्स विद इन ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल अल्टर करना इज नॉट द इंटेंशन ऑफ सेक्शन 62। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर इस केस लॉ में ये कहा गया कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बेनिफिट के लिए बोनाफाइडली सेक्शन 62 में दी गई ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स न्यू शेयर्स इशू नहीं करेंगे, फर्दर शेयर्स इशू नहीं करेंगे, अगर जेन्युइनली कंपनी को फंड्स की जरूरत है तभी डायरेक्टर्स सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 के अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं राइट इशू की, एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करने की या एनी अदर पर्सन को शेयर्स इशू करने की, वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, फिर जी दोबारा से इसी केस लॉ के अंदर कहा गया कि भैया देखिए सेक्शन 62 में जो ऑप्शन दे रखी है वो सिर्फ एडिशनल कैपिटल रेज करने की ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिशनल कैपिटल रेज करनी है इसीलिए कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है, हो सकता है कंपनी को अपने मेंबर्स इंक्रीज करने हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी न्यू शेयर्स अलॉट कर सकती है और लोगों को, जो हमारे पास ऑप्शन सी थी उसके अंदर, राइट, ये ऑप्शन बी के अंदर एम्प्लॉइज वाले केस में। हाँ जी, यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात कही गई कि इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब मेंबर, दोनों सेम ही कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात कही गई कि जी अगर मान के चलो कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो उसके शेयर्स उसके लीगल हेयर्स के नाम पर हो जाते हैं, लीगल हेयर अपने नाम पर वो शेयर्स को ट्रांसफर करवा सकता है। कहता है कि लीगल हेयर्स के पास राइट इशू वाला राइट भी है,
अगर जब कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है उस वक्त किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो राइट उस शेयर होल्डर के लीगल हेयर को मिल जाएगा, राइट। हाँ जी, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ राइट इशू, देखिए मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करता हूँ, अगर आपको प्रोविजन पता है तो प्रोसीजर कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो चेक वेदर द राइट इशू रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल और नॉट, और जहाँ पर लगता है कि इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल होगा तो सबसे पहले तो ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कीजिए, जिसके लिए मेंबर्स की मीटिंग बुलाइए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, राइट। फिर जी राइट इशू अगर आपको लेके आना है तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना होता है, ऑफर लेटर इन द फॉर्म ऑफ नोटिस। नोटिस में बकायदा आप बताएंगे कि वो मेंबर कितने शेयर्स सब्सक्राइब कर सकता है, राइट। नोटिस मतलब ऑफर 15 दिन से कम के लिए नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं होना चाहिए। वो कैसे भेजा जाएगा वो हम पढ़ चुके हैं, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड या कोरियर या एनी अदर मोड। कुल मिला के कंपनी को जिस भी मोड में नोटिस भेजना है कंपनी को प्रूफ उठा के रखना है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज के केस में क्या प्रोविजन है वो भी हम देख चुके हैं। फिर जी उसके बाद अगर शेयर कैपिटल हमारी अल्टर हो रही है तो हमें ROC को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो जी SH7 फाइल होगा ROC के पास। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो उस केस में MGT 14 पास ROC के पास फाइल किया जाता है विदिन 30 डेज, ठीक है जी। अगर राइट इशू लेके आ रहे हैं तो कंपनी शेयर्स तो अलॉट करेगी मेंबर्स को, तो जब भी शेयर्स अलॉट करती है कंपनी तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PAS 3 में विदिन 30 डेज ROC के पास फाइल की जाती है। और जी अलॉटमेंट के केस में विदिन 2 मंथ्स कंपनी शेल इशू शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है बस। चलिए जी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द सेकंड ऑप्शन, दैट इज एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। टेक केयर।